अगर उन टमाटो को ग्रो करना है, उनको बड़ा करना है। शोर है, कह रहा है साबुन लगा दो इनके। ये देखो यशिका के लिए मांग रहा है। अरे यशिका देखना, इतने छोटे से पेड़ पे ये प्लम लगे हुए हैं। हेलो गाइस, सो इफ यू सॉ यस्टरडे वी वेंट टू व्यूगेट पार्क, इट वाज सो फन, एस्पेशियली गोइंग ऑन द वाटर स्लाइड्स बिकॉज़ देयर वर 4 डिफरेंट टाइप्स. So they were so fun to go on. And yesterday we came home late, so we are tired today. That's why we woke up a little bit late at 7:30. And then we started. I even took a shower, if you saw. That's why my hair's out, because I did a head wash. Because yesterday in the water, yeah, you know it's swimming water. So now, because it's nice weather, we're just going in the garden. Because it's even a nice breeze. So, let me show you what Mummy, Shorya, and Mama are doing. Oh, guys, I just think I said Mama twice. I was meant to say Mama, Papa, and Shorya. So, let me show you what they're doing. Over here, Papa's trimming some tomatoes leaves, so the tomatoes can grow. So we have more tomatoes this year than last year. No, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं ये जो इनके leaves हैं, extra leaves ही देखो। Oh, वो trimming कर रहे हो। जब tomato आ जाते हैं ना, मैं बताता हूँ। जब tomato आ जाते हैं उसके अंदर, तो उसके बाद अगर उन टमाटो को ग्रो करना है, उनको बड़ा करना है, तो उनकी जो फालतू की लीव्स है ना, उनको हटाना पड़ता है। रीजन क्या है? नहीं तो जितनी एनर्जी होती है जो टमाटो के अंदर, हम जो भी एनर्जी मिल रही है, वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं जमीन से, वो सारे न्यूट्रिएंट्स उन पत्तों पे चले जाएंगे और पत्ते ग्रो होते रहेंगे, फिर मतलब सूखते रहेंगे, लेकिन वो जो फ्रूट है उसको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो एनर्जी का जो फ्लो है फ्रूट की तरफ जाए, इसलिए ट्रिमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो पूरा का काम जो मैं कर रहा हूँ, मैं टास्क यू गार्डन के अंदर ट्रिमिंग कर रहा हूँ पूरे गार्डन की। सोनिया तू क्या कर रही है? सोनिया भी लगी हुई है। मम्मा'स ट्राइंग टू, वेयर आर यू मम्मा, आप चुप रखियो। मम्मा'स ट्राइंग टू मेक वे फॉर द ग्रेप वाइन्स, बिकॉज़ इफ यू सी ओवर हियर, दे आर जस्ट going in random places, they're scattering on different places. So Mama's trying to find their way all the way up so they know which path they should take. और ये बाहर गार्डन के प्लांट्स को देखभाल करने के बाद अब शोर रेन को नहला रहा है। नहा रहे हैं शोर रे? नहा रहे हैं? नहीं नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं कर रहे हैं भाई। ये तो गर्मी है भाई आज बहुत ज्यादा, तो हमें लगा कि इनको भी नहला दिया जाए। एक एक करके आएंगे और अपने बाथ टब में ऐसे नहाएंगे। शोर कह रहा है साबुन लगा दो इनके। सोप के बिना ही नहीं नहीं होती इनकी। ऐसे ही कर दी बेटा, खुश हो गए। ऐसे ही नहीं नहीं। हाँ जी, ब्रश भी नहीं करेंगे वो। इनकी नहीं नहीं करवा रहे ना, तो पहले तो साबुन के लिए बोला है सोप लगा दो इनको, और उसके बाद ई का मतलब है कि ब्रश करवा दो इनको। इनको ब्रश भी करनी है, पता है भाई लड़के को कि रूटीन क्या है नहीं नहीं के लिए। ये देखो मुझे क्या बोल रहा है, क्या चाहिए वाला। ये वाला क्या है? क्या खाना है आपको? आइसक्रीम। आइसक्रीम बोल रहा है, इसमें आइसक्रीम। इसको ये पता है कि इसमें कहाँ पे होती है? इधर है। कौन देगा? दीदी देंगी, मैं दूं? पापा देंगे। कैसे खाओगे हैं? दिखाओ पहले, दिखाओ मुंह पर, मुंह दिखाओ इधर। अच्छा अच्छा, ले ले। कौन सी वाली तुम? ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए। कौन सी? दूसरी नहीं है बेटा, यही है। ये एक और दे दूं, यशिका को दे दूं? ये देखो यशिका के लिए मांग रहा है। यशिका आपके लिए, बस खोल दूं। चलो बाहर चलो, फिर बाहर चलो, बाहर आ जाओ। आइसक्रीम खाएगा तो यशिका के लिए भी ली है। ये अगर कोई चीज लेता है ना तो ऐसा नहीं है, खुद के लिए आइसक्रीम पहले तो अपने लिए ली है, अपने लिए नहीं नहीं, फिर यशिका के लिए आइसक्रीम। यशिका कहाँ गया? आ जा आ जा आ जा। अब ये बाहर वाले पौधे क्रॉक्स, आ जा आ जा। ये रे क्रॉक्स तेरे कहाँ है? ये रे, आ जाओ शोरी, आ जाओ जल्दी से यहाँ बैठो। हमने अपना सोफा है ना उठा के इस तरफ डाल दिया, द रीजन बीइंग क्योंकि
उस तरफ धूप आ रही थी बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे छाया है अभी, तो यहाँ से आराम से बैठ के व्यू भी हमारा ये बढ़िया वाला व्यू है। देखा कितनी ग्रीनरी है यार, बहुत ही सही लग रहा है। हाँ ये लो दीदी आप खोलो, मैं एक बार अभी आया। ये इस तरफ ये पूरा, अगर वो टमाटर देखो, वो टमाटर के काट दिए नीचे से, काट दिए मतलब नीचे डालियाँ जो थी वो काट दिए, ठीक है, मतलब पत्ते काट दिए जिससे कि डालियाँ रह गई है। तो नीचे एक तो दो फायदे होते हैं, एक तो जो टमाटर वगैरह जो लगे हुए हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, अगर आपको दिख रहे हो तो ये टमाटर वगैरह काफ़ी सारे लगे हुए हैं, तो एक तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, और दूसरा क्या होगा कि भाई क्योंकि नहीं तो पत्ते सारी एनर्जी खा जाते, और दूसरा होगा कि भाई जो नीचे कई बार क्या होता है जब पत्ते टच करते हैं ना ज़मीन को तो उसमें इन्फेक्शन कह सकते हो या कोई बीमारी लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब वो वाला जो प्लांट आप सोचो कि भैया फिर उसके क्यों नहीं काटे, उसकी शायद वो कैटेगरी ऐसी है, वो टमाटर ऐसा है कि वो नीचे नीचे ही होता है, वो उसकी टहनी इतनी ऊपर नहीं आती तो इसलिए उसके नहीं कटे हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे टमाटर के पौधे हैं, छोटे 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 छोटे, कुछ पौधे मेरे पैर से टूट भी गए उस तरफ, ऐसे ही इस तरफ भी टमाटर का अगर देखो वो कितना लंबा हो रखे हैं ऊपर तक, वो दीवार पे कहीं तो मैंने जो बांधे हैं वहाँ पे वो ऊपर तक आए हैं वहाँ पे उस तरफ, ऐसे ही इस तरफ। भाई ये फूलों का बताओ यार, फूलों का क्या कर सकते हैं, हमारे फूल बहुत हैं देखो, इतने सुंदर सुंदर फूल हैं ना, इतने बड़े बड़े, बहुत ही सही वाले फूल हैं, काफ़ी सारे हैं, इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं, इस तरफ तो और भी ज़्यादा हैं, बल्कि ये फूल मतलब उसके हैं कोरजेट के या फिर पम्पकिन के, उनके फूल हैं। ये खीरे हैं, खीरों को बांध दिया, छोटे छोटे खीरे काफ़ी आए हुए हैं, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो जूम इन कर दिया मैंने, वो देखो वो दिख गया कि कुछ सीड्स हैं ना मैंने ऐसे ही डाल दिए थे इसमें उसमें वो उगाए, तो मैंने अभी क्या किया इनको, अभी नहीं कल किया था, कल मैंने क्या किया इनको, ये वाले पुराने वाले प्याज हैं जो हमारे थोड़े बड़े हो रखे हैं, ये वाले छोटे हैं जो मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए हैं, अब ये भी बड़े हो जाएंगे, तो ठीक है ये प्याज, और बाकी आप लोगों को सीड तो पता ही है, जो हमें रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा, ये अभी हम वेट कर रहे हैं, देखना ब्लैक हो जाएंगे और ये इतने सारे सीड बनेंगे कॉर्नर में, वहाँ पे हमारी जो है होममेड मैन्यूर, होममेड खाद जिसे बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि घर के जो किचन का वेस्ट होता है उसको सबको यूज़ करके हम बनाते हैं इसके अंदर, और उसके अंदर ग्रास वगैरह वो डाल देते हैं, तो भरा हुआ है, कितना दिखाऊंगे आपको, अभी हम यूज़ करते रहते हैं इसको, डालते रहते हैं, देखो ये अंडे डाले हुए ना, तो इसके अंदर कीड़े वीड़े सब कुछ ही आके सब यूज़ कर लेते हैं। ओवरऑल गार्डन इज़ डूइंग रियली गुड, और अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो अभी भी लगे हुए, ओ भाई चलो यार फिनिश कर लो, ये अपनी आइसक्रीम में लगा हुआ है, ये शिका अपनी वाली में, इनको मुझे ले जाना है कहीं, ओए ओए गिरेगी, मज़ा आ रहा है शोरी है, मज़ा आ रहा है शिका, अच्छी लग रही है, वाह ख़त्म कर लो, चलो चलो आराम से, दोनों जने यहाँ खड़े हैं, ये दोनों अब क्या देखने में लगे हो, फिश ढूंढ रहे हैं, फिश लोटस लगे हुए हैं, ये कौन से फ्लावर है पता है, लोटस लक्ष्मी माता इस पे बैठती हैं, है? नहीं लक्ष्मी यार नहीं, लोटस पे विष्णु जी है ना, डक्स डक्स वहाँ पे होंगे बेटा, चलो तो अभी भाई मैं इनको दोनों को बाहर लेके आया हूँ, घूमने का हमारा ये जगह है, मेरे को सोनिया ने बोला उसे कुछ करना है काम, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं इनको लेके चलता हूँ, मैंने कहा घर में ये इधर उधर इधर मम्मी मम्मी मम्मी, तो मैंने कहा मैं इनको बाहर लेके जाता हूँ, तो बाहर हमारा कहाँ घूमे या तो पार्क में, पार्क में इनको मैंने थोड़ी देर घुमाया, उसके बाद ये मैंने कहा चलो और थोड़ा सा टाइम घूम के आते हैं, नर्सरी घूम के आते हैं, तो ये है हमारी लोकेशन, प्लांट्स वगैरह देख लेंगे, ये इस पर चला लेगा थोड़ी देर, लेना वैसे हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ अच्छा लगा तो हम ले लेंगे, और नहीं लगा तो हम घूम फिर के वापस चले जाएंगे। चले शोरी आगे, कोई सेब लगे हुए देखो छोटी छोटी ट्री के, मैं आपको वही दिखाता हूँ, मतलब मुझे भी बड़ा रोगी है पीछे, तो ये ट्री बेचने में लगे हुए हैं, छोटा सा है बिल्कुल, और इसके देखना सेब कितने, एक दो तीन चार पाँच छः लटके हुए हैं ऐसे, इसके छोटे छोटे पेड़ों के सेब कैसे लग गए भाई, सेब लगे हुए हैं सबके, बेच रहे हैं, सेब का पेड़ कितने का है ये बेच रहे हैं नर्सरी में, 50 पाउंड का है, ठीक है, और इसके अलावा और दिखाऊं, ये पैर क्या है, ये क्या है, ये किनुआ कुछ है, ये प्लम है, हाँ बेटा प्लम भी लगे हुए हैं, ये रे प्लम लगे हुए हैं मोटे मोटे प्लम, और ये शिकार देखना इतने छोटे से पेड़ पे ये प्लम लगे हुए हैं, ये कैसे लगे हैं, हमारे घर में तो इससे बड़ा तकड़ा पेड़ है उसी पे नहीं लगे हुए, 65 पाउंड का बेच रहे हैं, इसमें वो है ये होता है फर्टिलाइजर डालने का, हमारे वाले ऑर्गेनिक है ना बिल्कुल, इसलिए हाँ बेटा हाँ
विद यशिका कौन? यशिका खू, यशिका हाइड एंड सीक खेल रहे हो भैया के साथ? यशिका, यशिका शोर के साथ। ढूंढो ढूंढो वोरी वोरी दीदी, दीदी देर 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 देर, गो 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 गो, दीदी देर, ये वाले जो कलरफुल से पेड़ होते हैं, मतलब इनके पत्तियां देखना कितनी कलरफुल होती हैं, इसका नाम क्या होता है आप लोगों को बताता हूँ मैं। एसर जेरी, इसको नहीं आ रही है तो नाम नहीं होता मेरे को, तो कोई और पता था। लाल हो रखे हैं बिल्कुल। एसर प्लेटम, ऐसा कुछ नाम है क्या? यही नाम है। 125 पाउंड का है। पत्तियां देखना इसकी कितनी सही है, अच्छा लग रहा है ना इसका यहाँ पे। और आज तो हम ग्रीनरी ग्रीनरी पे ही हो रहा है सब कुछ। अब हमें एप्पल ऑर्चिड में आए हैं। एप्पल ऑर्चिड, ये देख लो, सेब का पूरा बड़ा पेड़ है। ये देखो लाल सोनू लिए, देखो पीछे वाले में मिल रहे थे, कैसा है? मीठे, बहुत मीठे हैं, अच्छे हैं। अरे ये तो बहुत सही है, हिमाचल जैसे हैं। अच्छे हैं सच में, बहुत टेस्टी है भाई। तो सेब लगे हुए भाई बहुत सारे। छोरे कहाँ जा रहे हैं? ये हम यहाँ पैडल खेलने आए थे टेनिस के बाद। छोरे पूरा घूम रहा है, हमारी बॉल्स यहाँ लगी थी, वो लोग खेलने में लगे हुए। चलो 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 भाई।